तो मत बात करो, तीन के तीन वैरायटी से दो हो गया। और आपके साथ मेरे दोस्त है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फद्दल फिल यूट्यूब चैनल व्हाट द फन, इस्मा मोहम्मद बिन इसाक। हाँ, क्या बोल रहे? अरे मियां, बारकस में अपन ऑटोमेटिक ऐसा अरबी निकलती मालूम अपने को। अरे भाई, तुम्हारे को इंट्रोड्यूस करूं? हाँ, 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 हाँ। वा अना रकम अव्वल मोहम्मद बिन इसाक, वा रकम इतनेन फिल कैमरामैन वीडियोग्राफी कैम्बो। तो आज क्या करेंगे, आज मैं आया अरबस्तान इन हिंदुस्तान। वो कौन सी जगह है बोले तो अपने हैदराबाद में बारकस जो एरिया है, सारे जितने भी जो मिडिल ईस्ट के लोग है आपको हार्ड कोर यहाँ पे मिलेंगे। और भाई भी आपके वही छे, मोहम्मद बिन इसाक बिन बदर बिन अब्दुल वहाब अल हुरैशी, जिन लोगों को नहीं मालूम है ये नाम है मेरा पूरा। तो आज फिल्म आएंगे, मार्केट कैसा है, क्या यहाँ पे ड्रिंक्स है, घावा क्या चीज़ होती, और साथ ही साथ लोगों का कल्चर बताएंगे कि कैसा यहाँ पे बैठक है और किस तरह से खूबसूरत सा मंजर चल रहा रमजान के माहौल। लेट्स गो कैम्बो। क्या नाम बोलिए? सोहेल बिन सालम बहरदान, बल्ले शर्म कलेक्शन है दुकान का नाम अपनी। अच्छा, उसका मतलब? ये कबीला है लुंगी में फेमस है, अपन जुब्बे मिल जाते अपने पास। अभी आप क्या पहन के, ये मेरे को पूरा ड्रेस समझाओ। ये देखो तैबन है यमनी, तैबन यमनी। ये गतरा है, गतरा। ओके, ये पट्टा है यमनी पट्टा, यमनी पट्टा। ये इंडियन टी शर्ट, ये इंडियन टी शर्ट, इंडियन टी शर्ट है। इसका इसकी जगह क्या पहनते आप, अगर आप पहनते तो क्या पहनते थे? टी शर्ट की जगह क्या रहता था? ये फिर आप बताएंगे। हमारे साथ फहद भाई, फहद भाई एक्सपर्ट है वो गतरा बनने के लिए। गोतरा बोलते शायद, मेरे को जहां तक अंदाजा था वैसा। सऊदी स्टाइल जो है, चार पांच क्वालिटियां मिलते हैं आपको। एक खतरी आता है, एक सऊदी स्टाइल आता है, और एक ओमानी स्टाइल आता है। अभी और जो बने हुए ये वाला ओमानी है। तो ओमानी, तो फाद भाई आप ओमानी स्टाइल में आप गतरा बनते हैं? या बन देंगे। क्या बोले सोहेल भाई? यमनी पट्टा टी शर्ट पे। अच्छा, लुंगियां जो बोलते हैं सोहेल भाई, लुंगी देखिए के भी बोलते हैं। और कम से कम, सबसे कम रेट और सबसे महंगा वाला कौन सा बोला? सबसे कम अपने गने 600 रुपए से शुरू है। वो शुरुआत है 600 रुपए? 600 रुपए से शुरू है, आपको अपने गने 4,500 रुपए तक मिल जाएंगे। क्या खास है लुंगी में 4,000? कपड़े में फर्क रहता, रायन में रहती पूरी लुंगी, और कपड़े में फर्क रहता, डिजाइन में फर्क। डिजाइन के पैसे देते अपने लोग यहाँ पर, और जितना डिजाइन रहा 8,000 भी देते पैसे। अच्छा डिजाइन, नया डिजाइन रहा तो ईद के दिन पहनने के लिए, बताने के लिए बराबर 8,000 भी देते, 10,000 भी देते। तो इतने दिन लुंगी पहन रहा? हाँ इंशाल्लाह। ये दिन इंडोनेशिया की रहती लुंगी। ये जगह बोला? ये बारकस मार्केट रोड से अंदर आ गए अपन तो अचार की दुकान आती, बड़ी मस्जिद के आगे अचार की दुकान आती, लेफ्ट मुड़ते किस लेफ्ट साइड में अपनी दुकान है, बल्ले शर्म कलेक्शन नाम है दुकान। अब अचार की दुकान पे रुक के खरीद लेते, मत ठहरो, पहले यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अपने चार ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तीन ब्रांच लेडीज के खास। लेडीज के उसमें क्या है? लेडीज में मैक्सीज मिल जाती है आपको, लेडीज के परफ्यूम मिल जाती है, जिलेबियां मिल जाती, और जिलेबी क्या है मैं? ये जो कप्तान बोलते हैं ना। अच्छा, ओके, जो पूरा हाँ। बैटमैन टाइप जो रहता है। हां, तवक्कल ना बोल के है, तवक्कल बोल के। तो पांच हो गए फिर, वो पांच ब्रांच है, पांच ब्रांच। तवक्कल कहां पे, क्या चीज का बोल रहा है? बारकस के इंटर पे है, बारकस के इंटर पे सेम चीज। पूरा एरिया आप लोग आएंगे खेल लिए क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ कहीं भी उतरा आदमी कोई ना कहीं बल्ले शर्म फैमिली के दिख रहे मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर आपका नाम? जमील लाल मोहम्मद है मेरा नाम। जमील लाल मोहम्मद बिन नहीं है इसमें? बिन नहीं है, फर्स्ट टाइम बिन देख रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं है सब बारकस में। जमील भाई कहाँ के आप प्रॉपर? मैं बारकस का हूँ प्रॉपर। कितने साल से? मैं यहाँ पर जो है 200 साल से है हमारे। अच्छा, हमारे मैं समझा 200 साल हो गया। वालिद साहब के? वालिद साहब के? वालिद साहब प्रॉपर हैदराबाद या कहीं और से? नहीं नहीं, बारकस के हम लोग जो है भाई, इधर लेके आते दुबई से माल जो है, लाके जो है हमारे भाइयों के लिए सप्लाई करते है इधर। ईद की खुशी में लोग आके लेना बोल के। क्या चीज सप्लाई करा? चप्पल है, लुंगियां है, हर एक आइटम है, लेडीज का सामान है पूरा जो है हमारे दुबई बाजार में। हम आवाम के लिए रखे हुए है भाई, सब दुबई में पहनते तो हमारे भी भाई हैदराबाद से आके बारकस से लेके आना दुबई, उनके हाथ से यहाँ पर है बोल के बाजार डाले हुए हम लोग। जो चप्पल है ये बाहर जो है 60 दिरहम का है। 60 दिरहम तो अपने इंडियन रुपीज में बोला? इंडियन में जो है आपको 1400 रुपए 1500 रुपए पड़ जाते लाए तक, इसको हम लोग जो है 1200 रुपए में सेल कर रहे हैं।
500 रुपए का भी चप्पल है। अरबा चप्पल बोल के जो बोलते हैं, अरबा चप्पल में जो है ये साहब अरबा चप्पल 2000 रुपए इसका रेट जो है। दुबई के शेखा पहनते इसको, बहुत मोटा सोल रहने के जैसे दिख रहा है। ये देखो अभी से पहले एक देखा मैं, और ये चप्पल है साहब, ये एक है 2000 रुपए का चप्पल है, शेख मोहम्मद उनके बच्चे पहनने वाले चप्पला है ये, 120 दरहम में है ये। उधर हम लोग खलीफा उन लोग पहनने वाले है, हम लोग जो है उसको जो है यहाँ पर 1600 रुपए 1500 रुपए में दे। अच्छा, इसकी खासियत तो मेरे को याद आ रही, वापस मेमोरीज आ रहे याद। एक तो है वालिद साहब पहनते थे, वालिद साहब रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ तो इससे देते थे, बहुत लंबे बहुत जबरदस्त चलते हैं चप्पला मेरे मन में। और कम से कम गरीब भी आदमी आया तो हम 150 कम में लगा के देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ भाई। अरे बिल्कुल, आपको भी दे देंगे भाई, बस बोल दो क्या उठाऊं। पब्लिक को बोल दो कहाँ नाम आपके शॉप पे आना है तो कैसा। दुबई बाजार है, बार्कस में आते हैं, दुबई सुख पे आ जाओ, बोलो राइट साइड दुबई सुख दिख जाता है भाई। ये जो मस्जिद है काफी मशहूर है, जामा मस्जिद बार्कस का। मेरा नाम फेरोज खान है, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है और मेरा कबीला जो है यूसुफजई कबीला है। तो किस जमाने में आया था, आपके पास कौन आए थे? 120 साल पहले हमारे बड़े आए थे यहाँ बार्कस। मेरा नाम ताहिर अहमदी है, हमारे बड़े यमन से आए हुए है। तो यमनिया आए क्यों? यमनिया जो है ना जंगजू है, लड़ने वाले है, निजाम जो है ना अपनी हिफाजत के वास्ते यमनियों को बुलाए थे। रोजे कैसे जा रहे? अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। दो साल के बाद गैप जो आया, वापस मस्जिद के जो सफ भर रहे वो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का फजल हो कर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बोल रहे थे कि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं हिंदुस्तान के लिए भी हम है, क्या क्या मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या हालात के हिसाब से बोल रहे हैं या आप अपनी खुशी से बोल रहे हैं? हालात के हिसाब से नहीं, पहले तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अल्लाह के रसूल सलम हदीस शरीफ है, तुम जिस देश में रहते हो देश से मोहब्बत करना है, चाहे देश कोसा भी हो, हिंदुस्तान हमारा देश था है आगे भी रहेगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अभी जो मैं बोल रहा था अपना ये मेहमान नवाजी का ये जो कल्चर है, अभी बोल रहे थे सर्फ करने के बाद जजाकल्ला सर्फ करने के बाद अगर आप वो कोई घर में बोले अरब के घर में नहीं भाई नको भाई बस अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो गुस्सा आता हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। सेट आपका नाम? अब्दुर रब अस्करी। पूरा नाम बोलिए? अब्दुर बिन नासर अस्करी। माशाल्लाह, कौन सा कबीला? कौन सा? अल अस्करी अल याफई। अल अस्करी अल याफई फैमिली जो है। तलब भाई क्या क्या है आपके पास शॉप? ये मशहूर है शॉप बार्कस में, लेकिन क्या क्या आप बेच रहे हो बोलो? 65 इयर्स से अपनी होटल है। 65 साल से? 65 साल से अपनी होटल है। पहले दादा बाबा और वाली साहब इधर इश्क करते थे, उसके हमें अपन भी ये चीज काम कर रहे हैं अल्लाह करम। लेकिन कर रहे क्या 65 साल से? 65 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। सुलेमानी गहवा देते थे, अब अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह गहवा सुलेमानी असीद ओमानी हलवा। ओमानी हलवा? ओमानी हलवा भी है आपके पास अभी? और अपने पास क्या है मालूम, रमजान में खासतौर पर स्पेशली गहवा रहता समझो, जाफरान काजू पिस्ता बादाम और दाल के करके देते समझो अल्लाह करम। तो बुकनी जो बोल रहे स्पेशल? स्पेशल वो बुकनी का अपन फार्मूला नहीं रखते, लेकिन आगे महीने को यानी अगर आपको होना तो लेके जा सकते हैं भाई। आ रहे ने बातों में देखो, बुकनी का अगर फार्मूला का टेस्ट होना बोले तो अपने पास आ जाना। अभी इसके अंदर क्या दे रहे आप वो बोलो मेरे को? ये इसके अंदर अपने गहवा देते पानी का। अच्छा, सादा गहवा जिसको बोलते हैं, और गहवा हलीब बोलते, गहवा दूध का रहता, हलीब दूध को बोलते हैं। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है आपके पास, सादा गहवा या हलीब का? अलहिन जो है अभी यहाँ पर अपने इंडिया में ओल्ड सिटी और न्यू सिटी है, हैदराबाद सिकंदराबाद के लोग हैं, ये दूध का घावा जाता है स्पेशली पीने तो के लिए। मतलब अपने जो दक्कन के लोग हैं, दक्कन के लोग जो है तो ये दूध में यानी हलीब में जो है तो पीना पसंद करते हैं। कहीं बोले तो मेरा खिस्सा, मेरा पर्सनल बोलता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जब पिया जी तो मेरे को घावा बोल के दिए, उसके अंदर दूध था तो परेशान हो गया। सादा घावा इधर है आप जो पीते बिल्कुल, ये बताएंगे इंशाल्लाह। इसका एकदम हॉट कॉफी रहता, सौंठ रहता और इतना नजा है, स्ट्रॉन्ग रहता, बल्कि लोगों के पीने के लिए नहीं आता, जो तंबाकू गुटखा खाते उनके लिए चार करता वो। अरे लोग वो होते तो जब भी कोई रिश्ते को आ रहे पिला के देखना बिल्कुल, खांसते की समझ जाना पोटा वो कर रहा बोल। डिकॉशन अपने पास जो है तो नहीं, स्पेशली डिकॉशन अपने पास जैसा बनता इंशाल्लाह हैदराबाद में किधर भी नहीं बनता। उसके भी कोई खास सीक्रेट फॉर्मूला? बस यही है अपना। अब्दुल्ला भाई पढ़ के फूक रहे क्या? कुछ पढ़ के फूकने का नहीं है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पब्लिक को आना है तो कहाँ पे आना? अभी बार्कस ग्राउंड के सामने जामा मस्जिद के सामने जो है तो अपनी गहवे सुलेमानी की होटल है, अलस्करी गहवा एंड डिकॉशन। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मोहम्मद नजरुद्दीन। अच्छा, बार्कस पे रहता है आप या कहीं और से आए हुए?
हम लोग जावला अलियाबाद पे रहते हैं। अच्छा, तो आप बरकस दोस्तों के लिए या ये घावे के लिए? घावे के आस्ते है, खास तौर पे अच्छा मिलता बोल के। रमजान है, सुनिए आप कैसा चल रहा है रमजान, कैसा चल रहा है आपका? बहुत मजे में चल रहा, आपकी दुआ से सेहतमंद है। सुनिए आप, आपके साथ मेरे दोस्त है, भाई आपकी एज? मेरी 55 है सर। और आपके भाई? 20। ये 35 साल का क्या हुआ किस्सा है? मेरी बात सुनिए आप जी, दोस्ताना करे तो अपने से बड़े लोगों का संगत करना। जी जी, सुनिए आप जी, तो ये आप उनको बोल रहे हैं, आपका बोल रहे हैं? नहीं, मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ भाई। इनो जो हो ना हमारे से दोस्ती करे जी, हमारे पीछे रह जी, और इनको जरा हाफिज साहब है, जरा ज्यादा मालूम है, तो हमारा भी काम है इनके संगत रहना। तो मत बात करो भाई, उजैर नाम है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से उजैर? दोस्त का नाम फिरोज खान। क्या नाम है? क्या नाम आपका? फिरोज खान। जाओ उजैर, थोड़ी देर उठो, अभी फिरोज खान कुर्सी तोड़े से जरा बताओ, बताओ जी। बैठो भाई, बैठो। इसलिए क्या है मालूम, इसलिए क्या बोलते, इफ्तार के बाद गैप देना सहरी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? इब्राहिम हामिद बाजावर। माशाल्लाह, बाजावर फैमिली। क्या पहने हो? बोलो। लुंगी पहने। कौन सा वाला है ये? ये बोटल की कंपनी का है। अपना लुंगी का एक पहन लेंगे, बारकस किसान लुंगी है भाई। क्या बात है। माशाल्लाह, ये था बारकस का एक मिनी व्लॉग, छोटा सा वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बता सारा मार्केट, लोगों की जो बैठक रहती, दोस्ताना जो रहता, और एक जो अरब कल्चर है, लोगों से बातचीत करके आपको मालूम हुआ कि कैसा यहाँ पे एक माहौल रहता, कल्चर कैसा, अरबस्तान इन हिंदुस्तान। अगर आपको देखना हैदराबाद के बारकस एरिया में आ जाओ। जब तक इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो वीडियो को। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।